हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूअल बूटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास में इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस कॉल और कॉल आई है कि सर, हम लोग अपनी मशीन के अंदर लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूअल बूटिंग को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूअल बूटिंग को। अब ड्यूअल बूटिंग का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास में एक मशीन है। अब ड्यूअल बूटिंग का मीनिंग है दोस्तों, अगर आप एक ही मशीन के अंदर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना चाहते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग है कि आप एक ही मशीन के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं। जब आपकी जरूरत हो, आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी मशीन को बूट कर ले, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अपनी मशीन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कर ले। तो ये शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी का कि सिंगल मशीन के अंदर जब हम लोग दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूअल बूटिंग। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत सारे बंदों का आया है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आया है, ईमेल के थ्रू आया है, और जो भी मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम बंदों ने मुझसे पूछा है कि सर, हम लोग अपनी मशीन के अंदर ड्यूअल बूट नहीं कर पा रहे हैं, जब हम लोग ड्यूअल बूट करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिस्प्ले नहीं होता है, केवल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्प्ले होते हैं, क्या हम लोग ड्यूअल बूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं उन सभी बंदों का ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ कि दोस्तों, हम लोग ड्यूअल बूट कर सकते हैं विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। तो ड्यूअल बूट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर VMware की हेल्प ले रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने VMware वर्कस्टेशन का 11th वर्जन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्यूअल बूटिंग करने के लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, देन नेक्स्ट। अब दोस्तों, अगर आप ड्यूअल बूटिंग करना चाहते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिंगल मशीन के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज और लाइनेक्स, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी मशीन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, तब आप सेकंड नंबर पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, देन आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। नहीं, तो फर्स्ट नंबर पर आप जो यूज करेंगे वो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और सेकेंड नंबर पर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपनी VMware की मशीन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं, वो भी विंडोज 7। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। वर्चुअल मशीन का नेम मैं विंडोज 7 रखना चाहता हूं। नेक्स्ट, सिंगल प्रोसेसर,
रैम कितनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, 1 GB काफी रहेगा। देन नेक्स्ट, ब्रिजिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं हम लोग। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज मैं थोड़ा सा ज्यादा रख लेता हूं, 600, सॉरी सॉरी, 600 GB की मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूं यहां पर, सॉरी वर्चुअल हार्ड डिस्क। दोस्तों एक सेकंड जरा, मैं यहां पर ये जो हमने अभी वर्चुअल मशीन का नेम दिया था, तो मैं यहां पर विंडोज एंड लिनक्स डुअल बूटिंग, ये मैं इस वर्चुअल मशीन का नेम रख रहा हूं, क्योंकि इसी वर्चुअल मशीन के अंदर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करूंगा के साथ साथ में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करूंगा। तो मैं ये वर्चुअल मशीन का नेम रख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा आप भी सभी लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट, वर्चुअल मशीन रैम मैं इसको अराउंड 1500 प्रोवाइड करता हूं इस वर्चुअल मशीन के लिए। देन नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां से हम लोग वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं 600 GB के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने अपने वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर विंडोज एंड लिनक्स ड्यूअल बूटिंग के नाम से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं सेटिंग में जाकर आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करता हूं विंडोज 7 के लिए। यूज, ब्राउज कीजिएगा। यहां से आप अपनी मशीन के अंदर जहां पर भी डेटा, आईएसओ इमेजेस के अंदर, यहां पर हमारी विंडोज 7 की आईएसओ फाइल रखी हुई है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ओपन, देन ओके। अब आप इस मशीन को पावर ऑन कीजिए ताकि इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं, विंडोज 7। ये देखिए जरा, वर्चुअल मशीन ऑन हो रही है, यहां पर विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं विंडो 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दस नेक्स्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर डिसाइड कीजिए कि आप विंडोज 7 का कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर विंडोज 7 का अल्टीमेट एडिशन 64-बिट आर्किटेक्चर इंस्टॉल कर रहा हूं, वही एडिशन आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7 अल्टीमेट एडिशन के लिए लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट है, इस पर चेक मार्क कीजिएगा एग्री के लिए। नेक्स्ट, फ्रेश इंस्टॉलेशन पर कस्टम, और यहां से आप पार्टीशन क्रिएट कीजिए जिसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 50,000 MB का एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं, और बाकी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहे हूँ जब तक ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज 7 की जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक विशेष नाम से यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट,
पासवर्ड को रहने दीजिए, जस्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइएगा। पब्लिक नेटवर्क, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसी वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोग जिसमें हमने अभी विंडोज 7 इंस्टॉल किया है, उसी में ही हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे इंस्टॉल करेंगे डुअल बूटिंग पर्पज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे।